नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, वर्कआउट सीजन चला हुआ है और आप लोगों को भी पता है कि सर्दियां चली हुई हैं, तो इसमें आप लोगों को फिट रहना कितना ज़रूरी है वो तो आप लोगों को पता ही है। साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग अपने फिगर को भी एक नया लुक दे सकते हैं, कर्वी फिगर बना सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज जितने भी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसमें आप लोगों का जो टारगेट मसल्स रहेगी वो ग्लूट रहेगा, साइड फैट रहेगा, बैली रहेगी और आप लोगों की जो लैग मसल्स हैं वो भी रहेंगी, जैसे कि हेमस्ट्रिंग्स है, काफ्स हैं वगैरह वगैरह। तो इसमें आप लोग अपने फिगर को एक अलग लुक दे सकते हैं, गुड लुकिंग आप लोग बन सकते हैं। और अगर आप लोगों का गुड लुकिंग दिखना है तो डेफिनेटली आप लोगों के फिगर का गुड लुकिंग दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक कर्वी फिगर के लिए आप लोग जो हैं ये 8 एक्सरसाइज कर सकते हैं। 8 एक्सरसाइज रहेंगी बेलीज के लिए, स्कल्प्ट आप लोगों के ग्लूट एंड लेग्स के लिए। लेग्स फास्ट आप लोगों का जो एक्स्ट्रा फैट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली स्कैटर वॉक से स्टार्ट करते हैं। 40 सेकंड्स के लिए आप लोगों को स्कैटर वॉक करनी है और ये फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों की रहेगी। इस एक्सरसाइज में अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोगों का सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो आप लोगों का फुटवर्क पर है। तो फुटवर्क पर है तो ऑब्वियसली आप लोगों की जो टारगेट मसल्स रहेंगी वो ग्लूट्स रहेंगी, हैमस्ट्रिंग मसल्स रहेगी, लव हैंडल रहेगा, कार्डियो रहेगा। तो इसमें कार्डियो आप लोगों का मजबूत होगा, एक्स्ट्रा जो फैट है बॉडी के ऊपर वो आउट हो जाएगा, तो बैली बहुत अच्छा जो है वो टोन बनने लग जाएगी, जो रेक्टस एब्डोमिन है वो निखर कर बाहर आने लगेगी। तो टारगेट मसल्स आप लोगों की जो है ग्लूट और हैमस्ट्रिंग मसल्स रहेगी। इसमें आप लोगों के घुटने भी अच्छे रहेंगे। और ये जो एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद, 40 सेकंड्स की एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद 10 सेकंड का आप लोगों को रेस्ट करना है, आराम कर लेना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप लोग देखिए कि फुटवर्क नहीं है और ये दूसरी एक्सरसाइज है, ये भी 40 सेकंड के लिए करनी है, लेकिन इसमें आप लोगों को अल्टरनेटिव क्रॉस जो है क्रॉस लेग टचेस आप लोगों को करने हैं, हील टचेस आप लोग कह सकते हैं, फॉरवर्ड बैंड हील टचेस आप लोग कह सकते हैं। तो इसमें आप लोगों का जो फुटवर्क है वो आप लोगों की जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है यानी कि जांघों की जो मसल्स है वो टोंड होने में आप लोगों की ये एक्सरसाइज मदद करेगी। साथ ही आप लोगों की लव हैंडल में भी आप लोगों को ये मदद करेगी और कार्डियो भी आप लोग इसमें काउंट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लोग झुककर अल्टरनेटिव फास्ट जो है हील टचेस करेंगे तो आप लोगों का कार्डियो भी वहाँ पर काम करेगा। तो 40 सेकंड के लिए आप लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिर से 10 सेकंड का आप लोगों को रेस्ट करना है और इस एक्सरसाइज में आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि पूरा का पूरा आप लोगों का पसीना बाहर निकलेगा। नंबर तीसरी एक्सरसाइज जो है आप लोगों को फुल वेस्ट सर्कल है, अपनी वेस्ट से आप लोगों को एक पूरा सर्कल एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बनाना है। 3 राउंड अगर आप लोग इसके लगा रहे हैं तो 3 राउंड आप लोग क्लॉकवाइज के लगाएं, 3 राउंड ही आप लोग एंटी क्लॉकवाइज के लगाएं। इसमें ग्लूट मसल सबसे ज़्यादा टारगेट होती है, अगर आप लोग देखें तो ग्लूट मसल्स का एक राउंड शेप में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिगर के लिए अच्छा बनना तो सभी एक बॉडी पार्ट्स का सही शेप में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो लव हैंडल इसका रहेगा, कार्डियो भी इसका रहेगा, तो फुटवर्क नहीं है अगर आप लोग देखें तो सबसे ज़्यादा जो टारगेट है वो ग्लूट्स हैं, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में लगाएं और उसके बाद आप लोग जो हैं 10 सेकंड का आप लोगों को रेस्ट मिलता है, ठीक है। तो 10 सेकंड का रेस्ट जो है आप लोगों को कंप्लीट करना है और उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट, यानी कि आप लोगों का रहता है कि प्लैंक एंड लेग की टॉय टचेस, ठीक है, प्लैंक विद लेग टॉय टचेस आप लोग कह सकते हैं, विद फॉरवर्ड आप लोग जो हैं पैरों को भी ला सकते हैं। तो ये फोर्थ आप लोगों की एक्सरसाइज रहेगी, 40 सेकंड्स के लिए भी रहेगी। टारगेट मसल्स ग्लूट्स रहेंगी, अगर आप लोग देखें तो ग्लूट्स जब आप लोग आगे पीछे रहते हैं तो ग्लूट्स का राउंड शेप में आना, टोंड होना, इसमें आप लोगों का काउंट होता है। हैमस्ट्रिंग मसल्स रहेंगी, जांघों की मसल्स हैं, सेलुलाइट रिड्यूस होगा, लव हैंडल एक्सरसाइज काउंट होगी, कार्डियो भी है और रेक्टस एब्डोमिन्स भी इसमें, क्योंकि प्लैंक एक्सरसाइज है, हाई प्लैंक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों की रेक्टस एब्डोमिन और आप लोगों की आर्म मसल्स भी इसमें टारगेट मसल्स रहेगी। अब टाइम नोट कर लीजिए आराम का, क्योंकि 10 सेकंड जो है आप लोगों के लिए इनफ है रेस्ट करने के लिए। और उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मसल्स यानी कि ग्लूट्स के लिए आप लोगों का। इसमें आप लोगों का आप लोग कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का स्क्वाट पल्सेस एक्सरसाइज है। इसमें आप लोगों को ज़्यादा उठना नहीं है और आप लोगों को नीचे ही आप लोगों को टारगेट करना है अपने ग्लूट्स को। तो इसमें अगर आप लोग देखना चाहें तो दोनों हाथ सामने हैं, लेकिन जो टारगेट रहेंगे वो ग्लूट्स रहेंगे, आप लोगों की हैमस्ट्रिंग मसल्स रहेंगी और लव हैंडल भी आप लोगों का रहेगा। तो इस एक्सरसाइज में आप लोग जो हैं अपने
शेप अपने वी शेप दे सकते हैं अपने फिगर को। तो ये भी आप लोगों को कितने सेकंड्स के लिए करनी है, 40 सेकंड्स के लिए आप लोगों को उसको टारगेट रखना है, ठीक है। और ये 40 सेकंड्स कंप्लीट होने के बाद रेस्ट करना है, आराम कर लेना है। और रेस्ट कंप्लीट होने के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, यानी कि नंबर 6 वाली एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में आप लोगों को क्या करना है, सुपरमैन प्लांक की तरह पोजिशन लेनी है और उसमें आप लोगों को वैसे ही करना है जैसे कि आप लोगों का सुपरमैन प्लांक है, ठीक है। ये भी आप लोगों को 40 सेकंड्स के लिए करना है। और इसमें अगर आप लोग देखें तो पैर जो है जस्ट आप लोगों के जैसे कि आप लोग कोबरा पोज करते हैं वैसे ही आप लोगों का सुपरमैन प्लांक है, लेकिन इसमें एक टारगेट मसल्स आप लोगों की रेक्टस एब्डोमिन रहेगी और बैक मसल्स रहेंगी। और ध्यान रखिएगा जिनको भी किसी प्रकार की इंजरी है तो प्लीज़ फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेना ना भूलिए। इसमें आप लोग जो हैं मान सकते हैं कि ग्लूट मसल्स ही इसमें टारगेट मसल्स रहती हैं, क्योंकि जब आप लोग ऊपर की ओर उठते हैं तो आप लोगों के जो ग्लूट्स हैं वो अंदर की ओर स्क्वीज होते हैं, तो एक्स्ट्रा फैट हुआ ग्लूट्स के ऊपर वो भी जो है ख़त्म होता है और साथ में ग्लूट्स जो हैं वो टोंड भी आप लोगों के बनते हैं, तो इसमें भी आप लोग फोकस रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग रेस्ट टाइम की। तो 10 सेकंड का रेस्ट मिलता है आप लोगों को, आराम कर लीजिए, सांसें भर गई होंगी उसे, आप लोग थक गए होंगे तो आराम कर लीजिए 40 सेकंड्स के लिए। नेक्स्ट 7th वाली एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। इसमें आप लोगों के पास एक चेयर रहेगी या आप लोगों के पास कोई सपोर्ट रहेगा और बैक किक आप लोगों को लगानी है। इसमें फुल बैक किक और स्ट्रेट लेग आप लोगों को पीछे की ओर लेकर जाना है। ये देखिए स्ट्रेट लेग जो है वो पीछे की ओर लेकर जाना है एकदम सीधा। इसमें आप लोगों के घुटने जो है मुड़ने नहीं चाहिए। रेक्टस मसल्स बैक मसल्स जो है इसकी टारगेट मसल्स रहेंगी, क्योंकि जब आप लोग थोड़ा दूर रहते हैं चेयर से तो रेक्टस मसल्स जो है वो आप लोगों की इसमें ज़्यादा जो है एक्टिवेट रहती है, ठीक है। तो ग्लूट्स मसल्स भी इसमें ज़्यादा टारगेट मसल्स रहेगी। तो अगर मैंने लिखा नहीं है तो प्लीज़ आप लोग उसे मेंशन कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो सबसे ज़्यादा मेन मसल्स है वो ग्लूट की मसल्स है। अब फिर से रेस्टिंग टाइम आ चुका है 10 सेकंड का, आप लोगों को रेस्ट देना है। और 10 सेकंड का रेस्ट देने के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट, और वो भी आप लोगों की थाइज मसल्स और ग्लूट मसल्स के लिए है, साथ ही आप लोगों के लव हैंडल के लिए भी है, नंबर 7th एक्सरसाइज, ठीक है। नंबर 8th एक्सरसाइज, सॉरी 8th वाली एक्सरसाइज है। इसमें टारगेट मसल्स रेक्टस मसल्स हैं, बैक मसल्स हैं और आप लोगों की ग्लूट मसल्स हैं और लव हैंडल भी आप लोगों का इसमें काउंट होता है। तो ये टोटल 8 एक्सरसाइज हैं जो आप लोगों के लव हैंडल को अच्छा बनाती हैं, आप लोगों के बेलीज को टोंड बनाती हैं, आप लोगों के ग्लूट्स को टोंड बनाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और साथ ही आप लोग इस वीडियो को इस लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।